चली आ गई। अब आ जाओ, मैं आपको इधर से बिठाती हूँ। सो कहना इधर आप मेरे साथ बैठोगी, इधर से अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका? ये आप खुश हैं, ठीक हैं और मज़े में हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब बिल्कुल ठीक हैं और बिल्कुल खैरियत से हैं। तो जी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मॉर्निंग का टाइम है और बच्चे जो हैं वो स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं, तो साथ में मैंने जल्दी जल्दी फटाफट से बच्चों के लंच बॉक्सेस बनाए हैं और उनके बैग वगैरह भी सारे प्रिपेयर कर लिए हैं हम लोगों ने। बस आयशा आने वाली है, अभी मारोश यहाँ पे डन हो चुकी है, तो बच्चों के साथ आज हम भी बाहर जा रहे हैं। मतलब कि मैं उनको जो है वो ड्रॉप करूँगी, अल्ताफ़ और मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करेंगे, और उसके बाद एक बहुत ही यूनिक सी चीज़ आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूँगी। तो हम जा रहे हैं बाहर जो है वो नाश्ते के लिए। आज का जो नाश्ता है वो मैं घर पर नहीं बना रही, आज का नाश्ता हम करेंगे बाहर। और यहाँ पर जो है कुर्दिश कल्चर की कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें जो हैं यहाँ पर, किस तरह से वो अपना नाश्ता करते हैं, तो वो सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। आप सबके साथ मैं अभी आज बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आज फर्स्ट टाइम जा रही हूँ बाहर जो है ना इस तरह नाश्ता करने। काफ़ी मैंने सुना हुआ है, मेरे हस्बैंड भी गए हैं कि इनका जो नाश्ता होता है बहुत ही अच्छा होता है। तो फाइनली आज हम जा रहे हैं और सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बहुत ही खूबसूरत वहाँ पर चीज़ें थी, वो भी सब मैं आपको दिखाऊँगी। सारे व्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर बच्चे भी तैयार हो गए हैं और हम जा रहे हैं अभी बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने। चलो दोनों अंदर चलो, आ जाओ सुखिया। आ जाओ, मैं आपको इधर से बिठाती हूँ। सो कहना इधर आप मेरे साथ बैठोगी, इधर से और मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना वो इतना खूबसूरत होता है। हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आ रही थी, बहुत ही प्यारा सा मौसम भी बहुत प्यारा है आजकल। आपको पता है कि गर्मी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है आजकल, और मॉर्निंग में तो हल्की सी ठंड होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे बच्चों ने हुडीज़ जो हैं वो पकड़ी हुई थी क्योंकि स्कूल में एसी चल रहा होता है, फुल टाइम उन्होंने एसी ऑन किया होता है, तो हुडीज़ जो हैं वो अपनी बच्चे लेके जाते हैं और जब उनको ठंड लगती है तो वो वेयर कर लेते हैं। तो सामने आप देखें इतने प्यारे प्यारे दरख्त जो हैं, उनका जो कलर है वो इतना ग्रीन सुबह को निकला हुआ होता है। आप मतलब शाम में भी निकलें रात में भी निकलें, लेकिन जो मॉर्निंग में बात होती है ना यार, वो मैं आपको बता नहीं सकती। मॉर्निंग में ऐसा फील हो रहा था कि अगर आप सांस भी ले रहे हैं ना, ऐसे लग रहा था कि आपको उससे भी एनर्जी मिलती है। तो बहुत ही खूबसूरत ये टाइम था, सुबह का जो टाइम है ना, मैं कहती हूँ कि सुबह को उठ के जल्दी जाना चाहिए, बाहर वॉक भी करना चाहिए, लेकिन
हम लोग फिर उठते नहीं हैं इतना जल्दी, लेकिन सुबह का टाइम आप देख लें कितना खूबसूरत सारा व्यू है और सब चीज़ें इस तरह से खूबसूरत लग रही होती हैं, आंखों को भी इतनी ठंडक मिल रही होती है। यहाँ पे सुकैना को देख सकते हैं आपके, इसको जो है वो नींद आ रही थी इसको मैंने, क्योंकि इसको अभी इतनी आदत नहीं है सुबह को जल्दी उठने की। वैसे कभी कभार मारो शाहजा के साथ उठ जाती है, लेकिन कभी कभार जो है ना वो थोड़ी देर ये काफ़ी लंबा टाइम सो जाती है। तो यहाँ पर अभी जो है वो इसको नींद भी आ रही थी, हल्का हल्का नींद में भी थी, और वैसे जो है ना उसको सन जो है वो बिल्कुल प्रॉपर आइज़ में लग रहा था, तो इस वजह से इसने अपनी आइज़ जो है वो उस तरह से क्लोज़ की हुई हैं। तो हम जी बच्चों के स्कूल पहुंच गए हैं, बस आगे सामने ये स्कूल है बच्चों का, ये जी सामने बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, जो बीच में सारी बिल्डिंग है ये है जी बच्चों का स्कूल, और ये है जी द ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल ऑफ सुलेमानिया, बहुत ही अच्छा स्कूल है ये। तो यहाँ पर बस बाहर से हम लोग अभी बच्चों को यहाँ से छोड़ेंगे, और फिर जो है ना ये जीन का लोगो लगा हुआ है यहाँ पे, और बहुत बड़ी बिल्डिंग है और बहुत ही अच्छा स्कूल है इनका यहाँ पे ये। तो यहाँ पे भी बस बच्चों को हमने ड्रॉप किया है, मारो शाहजा मुझसे पूछ रहे थे कि मम्मा आप किधर जा रही हैं, उनको ये था कि शायद वो हमारी टीचर से बात करने के लिए चल रही हैं इसलिए मम्मा आई हैं, तो मैंने कहा था नहीं आप अभी स्कूल जाएँगे तो फिर उसके बाद हमने जाना है कहीं और। तो ये जी बच्चे जो हैं वो स्कूल के अंदर चले गए हैं, यहाँ पे जो है हम लोगों ने यू टर्न ले लिया है और अब हम जा रहे हैं उसको आप रेस्टोरेंट भी कह सकते हैं जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसको रेस्टोरेंट नहीं कहा जा सकता क्योंकि सिर्फ वहाँ पे जो है ना आपको नाश्ता ही अवेलेबल होता है। वहाँ पे 10 बजे से जो है ना 11 बजे तक उसको मेरे ख्याल में उसको क्लोज़ कर दिया जाता है, या तो 11 से 12 बजे तक उसको क्लोज़ कर दिया जाता है। तो वो मेन एक बेकरी है वहाँ पर, उसके साथ बेकरी भी है, उसके साथ उन्होंने वो सारा सेटअप बनाया हुआ है, तो जस्ट वहाँ पर लोग जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि उनका ब्रेकफास्ट जो है वो बहुत फेमस है और काफ़ी पुराना है, वो काफ़ी टाइम से ये जो है ना उनका वो चलता हुआ आ रहा है। तो ये जो सारा उनका जो कुर्दिश कल्चर जो है ना उसको रिप्रेजेंट करता है ये सारा। तो अभी हम जाएंगे वहाँ पे और जाके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो बीच में आपको सन नज़र आ रहा होगा, बीच में बहुत ही प्यारा व्यू था, और उससे पहले जो मॉर्निंग का व्यू था वो तो बहुत ज़्यादा ही प्यारा था। अब आस्ते आस्ते धूप निकल रही है तो वो बात नहीं है, लेकिन सुबह का जो व्यू था ना वो बहुत ऐसे लग रहा था आंखों को एक ठंडक सी एक रोशनी सी मिल रही है, बहुत ही प्यारा व्यू था। और सामने जी आपको ये माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं, तो इस माउंटेन पर सामने इनका फ्लैग बना हुआ है और यहाँ पर सुलेमानी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये मेन हम जब भी आते हैं ना ये बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पे नज़र आता है। तो ये जी हम आ गए हैं और इसका जो नाम है वो इसका नाम है खाजी खानम, इसको जी खाजी खानम के नाम से जो है वो बोला जाता है यहाँ पे। और ये बेकरी थी और ये है जी इनका छोटा सा रेस्टोरेंट ही कह लें आप, और ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, ये सारा इनके जो कुर्दिश कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी इनके कल्चर से बिलोंग करती हैं, और बहुत सारी ऊपर छोटी छोटी चीज़ें पड़ी हुई थी उनकी, मैं वीडियोज़ जो हैं वो बना नहीं पाई थी। दूर से ही आपको ये सारा कुछ नज़र आ रहा होगा क्योंकि बहुत यहाँ पर क्राउड होता है, सुबह को ही आपको पता है सब नाश्ते के लिए आते हैं तो बहुत रश था। तो यहाँ पे ये इनका मेन्यू है, सारा कुर्दी में लिखा हुआ है, इनकी रीड करना तो मुझे नहीं आ रहा था लेकिन जिस तरह से इनकी पिक्चर्स बनी हुई हैं तो इसमें बिल्कुल प्रॉपर जो है ना हर चीज़ पता चल रही है कि ये ऑमलेट है, ये पराठा है, और जो इनके सूप और हैं मेन जो ये नाश्ते में खाते हैं वो हैं क्रीम्स और चीज़। चीज़ यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, पनीर हो गया क्यूब्स में हो गई चीज़, और जो है वो सॉसेजेस जैसे हो गई, और हनी जो है ना ये बहुत ज़्यादा नाश्ते में यूज़ करते हैं। और तो साथ में ये सारी हमने चीज़ें जो हैं वो ऑर्डर की हैं, तो ये हमने नाश्ता ऑर्डर किया था, ये ऑमलेट है, इसके ऊपर चीज़ है और चिकन की जो हैं वो सॉसेजेस हैं, हनी नज़र आ रही है आपको, हनी के साथ जो है क्रीम है और चीज़ है, जैसे कि मैंने बोला था चीज़ इनको बहुत पसंद है, और ब्लैक और ग्रीन ओलिव्स हैं, नट्स हैं कुछ वॉलनट्स हैं, और जी यहाँ पे सामने आपने देखा कि ये चने हैं, चने जो हैं वो इनकी बेस्ट हैं यहाँ पे, ये मुझे बहुत पसंद है, सूप में होते हैं और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, और ये इनकी कुर्दिश टी जो कि मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे मैंने शाम को जो है वो डेली मैं ये पीती हूँ, पाकिस्तानी चाय जो है वो मैंने छोड़ दी है, हाँ मॉर्निंग में ले लेती हूँ लेकिन जो है शाम को मैं ये कुर्दिश टी का एक कप लेती हूँ। तो नाश्ता जो है वो इनका बहुत मज़ेदार था, आपको नज़र आ रहा है पराठा, लच्छेदार पराठा है ये इनका,
और इसके साथ नान भी हैं इनके, और पराठा भी बहुत मज़े का था, नान भी बहुत मज़े के थे। और जो चने हैं, मैंने जैसा कि बताया कि मेरे फेवरेट हैं, यहाँ पे बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, और जिस तरह से ये सूप में बनाते हैं इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होता है, बहुत ही यूनिक होता है। और दूसरी चीज़ जो मुझे जो है इनके नाश्ते में पसंद है वो है जी हनी, और उसके साथ क्रीम। इनकी जो क्रीम होती है ना वो बहुत ही मज़ेदार होती है, उसको हनी में आप मिक्स करके खाएँ उसका फ्लेवर ही एक अलग सा आता है। तो जो इनका मेन जो यहाँ पे फेमस जो इनकी डिश है ना वो है जी नान, हनी और उसके साथ क्रीम, ये जो है इनकी फेमस यहाँ पे डिश है। और बाकी आपने मेन्यू देखा, मेन्यू में आप कुछ भी मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही मज़े से हमने जो है वो अपना ब्रेकफास्ट किया, बहुत ही मज़ा आया। और ये है जी सारा ओवरऑल व्यू, साइड में बहुत से लोग बैठे हुए थे तो ये ही मैं रिकॉर्ड कर पाई थी, और बहुत मज़ा आया यहाँ पे। उसके साथ जैसे कि मैंने बताया था बेकरी है, ये है जी वो बेकरी, हम यहाँ पे आ गए हैं। और यहाँ पे सुकैना ने जो है वो जेलीज और अपने लिए डोनट्स लिए थे। हम अक्सर यहाँ बेकरी पे आते हैं तो बच्चे जो है वो अपनी फेवरेट चीज़ें ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये रोटियाँ हैं इनकी, ये जो है वो जैसे पापड़ होते हैं, पापड़ की तरह ही होती हैं, लेकिन हम नहीं खाते ये, लेकिन इनको पसंद है, ये यहाँ से ले जाते हैं ये रोटियाँ। और बाकी बेकरी की चीज़ें हैं सारी यहाँ पे, जो ब्रेड है वो बहुत मज़े की होती है, स्वीट भी होती है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मैं जब भी आती हूँ यहाँ से हम ब्रेड जो है वो ज़रूर लेके जाते हैं। तो यहाँ पे ये सारी हमने चीज़ें ले ली थी बच्चों के लिए, सुकैना ने अपने लिए डोनट्स वगैरह और जेलीज ली हैं। तो अब हम जा रहे हैं घर। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग, नाश्ते का व्लॉग, और मुझे तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे इनका जो कुर्दी जो है वो कुर्दिश इनका जो नाश्ता है वो करके बहुत मज़ा आया, और नाश्ता भी बहुत मज़े का था, लेकिन थोड़ा सा हैवी था। हम जो नाश्ता करते हैं वो लाइट होता है, लेकिन ये नाश्ता बहुत हैवी करते हैं। तो आधा जो है वो मैं खा पाई थी, और उसके बाद जो है वो ज़्यादा मैं नहीं खा पाई थी। तो अल्ताफ़ वही कह रहे थे कि आपने इतना खाया नहीं, लेकिन हम मैंने देखा है कि हम जो हैं वो लाइट नाश्ता करते हैं, लेकिन ये लोग जो नाश्ता करते हैं ना इनका नाश्ता बहुत ही हैवी होता है। तो यहाँ पे हम गार्डन सिटी में आ गए हैं, बस हम लोग घर पहुँचने वाले हैं। तो आज का जी जो व्लॉग है, आई होप कि हमारे साथ आपने भी खूब इंजॉय किया होगा, हमें तो बहुत मज़ा आया नाश्ता करके यहाँ पर। और वाकई में वहाँ पे बैठ के ना मुझे बड़ा ही मज़ा आया, जो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट लुक था सारा। तो आई होप कि आपको भी हमारे साथ पसंद आया हो ये सब कुछ। तो मेरे इस व्लॉग को जो है वो लाइक कर दीजिएगा, मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।